दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर शिक्षा संस्थान YouTube चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक ऑफिशियल नोटिस आया है जो असाइनमेंट लेकर है कि आपका असाइनमेंट का पेपर कैसा होना चाहिए, आपका असाइनमेंट किस तरह का पेपर में लिखा जाना चाहिए। तो वह ऑफिशियल नोटिस क्या है आप देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं वेबसाइट खोलता हूँ, देखिए छत्तीसगढ़ से आया। अगर आप रायपुर से हैं तो आपके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है, प्रथम सेमेस्टर असाइनमेंट जमा करने संबंधित निर्देश, अंतिम तिथि 21 जनवरी 2018। 21 जनवरी 2018 आपका अंतिम तिथि है अगर आप रायपुर से हैं। तो ये नोटिस में क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें दो बात जो लिखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी का काम आएगा। असाइनमेंट का जो निर्देश है क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। असाइनमेंट पहला लिखा हुआ है, पहला में असाइनमेंट एनएसई वेबसाइट पर है, ये तो आप सब भी जानते हैं। दूसरा में है, असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। 21 जनवरी मतलब आपका असाइनमेंट जमा करने लास्ट डेट है। उसके बाद तीसरा में, प्रत्येक विषय 501, 502 एवं 503 हेतु 3 असाइनमेंट अर्थात कुल 9 असाइनमेंट बनाया जाना है। चौथा आपका इम्पोर्टेंट है, आप सभी का, आप रायपुर से हैं या कहीं और से हैं तो आपके लिए या याद रखें, ये चौथा और पांचवा नोटिस आपके लिए, आप सभी के लिए है। तो वह क्या है, असाइनमेंट A4 साइज सादे कागज अथवा A4 साइज लाइन वाली कागज का उपयोग किया जाना है। कागज के एक तरफ अथवा दोनों तरफ लिखा जा सकता है, मतलब असाइनमेंट जो आप लिख रहे हैं या तो लिख लिए हैं तो आप देख लें कि आपका असाइनमेंट जो है A4 कागज पर ही होना चाहिए, चाहे वो लाइन वाला हो या तो चाहे तो आप सादा हो, आप दोनों साइड लिखे हैं या एक साइड लिखे हैं, ये दोनों आपका मान्य है। ठीक है, पांचवा में लिखा है, सभी असाइनमेंट हस्तलिखित होना चाहिए अर्थात किसी प्रकार का प्रिंट असाइनमेंट मान्य नहीं होगा। मतलब आपका जो भी असाइनमेंट लिख रहे हैं आप अपने हाथ से लिखें, वो भी प्रिंट आउट वहां मान्य नहीं होगा। ठीक है, छठा में लिखा है, हिंदी माध्यम वालों परीक्षार्थी तथा सभी 9 असाइनमेंट हिंदी भाषा में लिखेंगे तथा अंग्रेजी माध्यम वालों परीक्षार्थी 9 असाइनमेंट अंग्रेजी माध्यम से लिखेंगे। अंग्रेजी माध्यम के असाइनमेंट का मूल्यांकन ये छोड़िए, ये जरूरी है। आपका लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है, असाइनमेंट से संबंधित अन्य कोई भी समस्या सवाल हो तो संबंधित जिला डाटा पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, जो 4 नंबर का जो नोटिस है, 4 और 5 है, इसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आपका, असाइनमेंट A4 कागज सादे कागज अथवा लाइन वाली कागज, ये आपको ये पढ़ लिए, ये आप ध्यान रखें। अगर आप लिख लिए हैं तो देख लें, और अगर ना लिखें तो इसी पे लिखें, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो यही आपका ऑफिशियल नोटिस था जो मैं आपको दिखा दिया हूँ। देखिए ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से आया है रायपुर से, क्योंकि रायपुर अभी सबसे आगे है इस समय, क्योंकि वहाँ सभी आपका जो स्टडी सेंटर है वहाँ करीब करीब अप्रूव हो चुका है, बाकी अदर स्टेट में नहीं हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।